बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें, ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको जो बीमारी के बारे में बताऊंगी वो है नाक में नकसीर आना, यानी कि नाक से खून आना, इसको नकसीर कहते हैं। और जिन लोगों की सर्दी में भी जो है नाक में नकसीर आ जाती है, खून आने शुरू हो जाता है, और जिन लोगों के गर्मी में के अंदर भी जो है नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, इसको नकसीर कहते हैं, यानी कि नाक में खून आना और उसकी जो है प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो ये नकसीर नाज़े उन लोगों को होती है जिनको कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से है नाक में नकसीर आती है। बाज़ लोगों को तो कैल्शियम की कमी होती है कि जोड़ों में दर्द हो गया या किसी के कमर में दर्द हो गया, कैल्शियम की कमी हो गया, किसी का खून ख़राब हो गया, खून में जो है चेहरे पे धब्बे पड़ गए सफ़ेद, उनमें कैल्शियम की कमी हो गई। मगर जिनकी नकसीर जो नाक से निकलती है, खून आता है, नकसीर होती है यानी कि नाक से खून बहता है, उनको उनकी भी कैल्शियम की कमी होती है नाज़रीन, इसीलिए उनके नाक से खून बहता है। हमें पता नहीं होता कि ये क्यों खून आ रहा है, क्यों नाक से आना शुरू हो जाता है। सर्दी गर्मी में भी आ रहा है, सर्दी में भी आ रहा है, गर्मी में भी आ रहा है। तो बाज़ लोगों के गर्मी में होता है कि चलो भी गर्मी से आ रहा है, गर्मी दिमाग पे धूप लगी है इसलिए नाक से खून बहना शुरू हो गया है। मगर जो सर्दी में नकसीर बहती है उसका यही वजह होता है कि उनकी जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा जिनके कैल्शियम की कमी होती है उनके जो है नाक में नकसीर आ जाती है। तो नाज़िर, आपने जो है क्या करना है, ऐसे मरीज को संगे जराहा जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये एक पत्थर होता है नाज़िर, संगे जराहा, तो इसका जो है आपने पाउडर बना लेना है। और ये वैसे भी जो है हर जगह मिल जाएगा आपको, जैसे भी जैसे मेडिकल स्टोर है वहाँ पर भी आपको, या होम्योपैथिक की दुकान से वहाँ पर भी आपको ये संगे जराहा मिलेगा। तो आपने एक चुटकी लेनी है और इसको पानी या दूध से खिला दें मरीज़ को। एक चुटकी आपने जो है खिलानी है रोज़ाना, एक चुटकी पानी से अगर मरीज़ पसंद करता है तो पानी से खिला दें, अगर दूध से पसंद करता है दूध से, दोनों चीज़ों से आप खिला सकते हैं। तो ये आपने कम से कम एक हफ्ते तक खिलानी है रोज़ाना, तो इससे जो है इनकी जो नाक से नकसीर आ रही है वो आना बंद हो जाएगी और इनकी जो कैल्शियम की कमी हो गई है वो इस दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनकी कैल्शियम की कमी जो पूरी हो जाएगी तो फिर नाक से नकसीर आना बंद हो जाएगी, इनके नाक से जो खून नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ये दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करें, तरह तरह की दवाइयाँ मरीज़ को ना खिलाएं, ताकि उनको और बीमारियाँ ना लगें, उनके और जिस्म के अंदर जो दूसरे अज़ा हैं वो ना ख़राब हों, और इससे जो है उनके खून जो है उनका बनना शुरू होगा, जो कि नाक से खून आता रहेगा तो उनके खून में कमी आ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवाएँ खिलाएँ। अगर आप अंग्रेज़ी दवाएँ खिलाते रहेंगे तो उनकी जो है ग़ज़ा बन जाएगी, उस वक्त वक्ती तौर पर फ़ौरन जो है आपको फ़ायदा होगा, उनकी नाक से खून आना बंद हो जाएगा, मगर फिर वो दो चार दिन के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर आप वही गोलियाँ खिलाएंगे कि भाई ये चलो इस दवाई से आराम आया था हम फिर यही खिला दें। तो ऐसा नहीं है नाज़रीन, अगर आप एक ही दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे, यूनानी की देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको वही दवाइयाँ जो है जड़ से खात्मा हो जाएगा आपका, आपकी बीमारियाँ जो है हमेशा के लिए चली जाएंगी। इससे बेहतर है कि आप जो मैंने आपको दवाई बताई आप ये उन मरीज़ को दें जिनके जो है खून आता है नाक से, तो और जिन लोगों को ये बीमारी है उनको ज़रूर ये दवाई खिलाया करें, ताकि ये बीमारी उनकी हमेशा के लिए जाती रहे। अगर एक हफ़्ते तक उनकी ये बीमारी नहीं जा रही, एक हफ़्ता मज़ीद और आप खिला सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ लोगों की बहुत पुरानी तकलीफ़ होती है तो इन लोगों को नहीं पता था क्या दवाई देनी है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको जो है नई नई बीमारियों का अपना खात्मा करें, उनको नई नई दवाइयाँ जो है मेरे चैनल में देखने को मिलें, आसान और बिल्कुल ही घरेलू चीज़ें। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है देसी दवाइयाँ खिलाएं और उनका बीमारी का जड़ से खात्मा करें, तो अंग्रेज़ी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और आपको कभी भी अंग्रेज़ी दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि बहुत लोग जो है परेशान होते हैं कि हम दवाइयाँ खाकर तंग आ गए हैं मगर हमारी बीमारी जाती नहीं। तो नाज़रीन, आप मेरे चैनल को जब देखेंगे तो आपको और बीमारियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि आपको वही बीमारी का जड़ से खात्मा होगा जो दवाइयाँ मेरी इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरी बीमारियाँ जो आपको नहीं लगेंगी, ना आपको कोई आपकी तबीयत ख़राब होगी। और इससे बेहतर ये है कि आप अंग्रेज़ी दवाइयों को
ख़त्म करके आस्ता आस्ता यूनानी की तरफ आइए, अपना इलाज कीजिए, अपने घर में खुश आ रहिए, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, बूढ़ों का, सबका इलाज यूनानी से करें ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो नाज़रीन अपने बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मैं ताकि आपको और मज़ीद और बहुत अच्छे कारामद नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करती रहूँ और सर्दी के लिहाज से मैं बहुत सी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखें। बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।